अरे ले या पर्ची मेरी जेब में पड़ी है, कई दिन से मैं देनी भूल गया था। के है? अरे या वो मनी ऑर्डर की पर्ची है। के करूँ इसका अब? फिर भी सरकारी कागज है, लेके खड़े तो हो सके। सो उक चूक है, मनी ऑर्डर ना पहुँचे। कैसे नहीं पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा तो वापस आ जाएगा मनी ऑर्डर। हाँ ये तो है। अच्छा एक काम करेंगे, आपके पैसे से आवे तो तू अपनी मम्मी पापा को एक फोन दुआ दिए। उससे के हो जाएगा? अरे के हो जाएगा, तू हालचाल बूझ ले करिए, कोई बात हो तो तू अचानक बात तो हो जाए करे, ठीक है ना? अरे भाई जब मनी ऑर्डर भेजे करेंगे तो बूझ ले करेंगे मनी ऑर्डर गया नहीं गया। यू ठीक कह रहा। चल ठीक है, तू चली जाइए बालक पठान, मैं खेतों पे गुजारा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ जाओ माँ जी बैठो। एक ये बैठू? तुझे पता ना है कि आज करवा चौथ है? मुझे नहीं पता है जी, या तो अभी जिक्र कर रही थी। आज करवा चौथ भी है, मुझे तो पता ना कैसे कैसे मनाएगा। मैं तो मगा तो तू माँ जी ते बूझ लिए, कह रही थी हाँ माँ जी ते बूझूंगी, इतने में तो तुम आई गए। कुछ खाया पिया तो ना है तन्ने? अजी यह तो तड़की से न्यू ही है, इसने तो कुछ हाथ भी ना लगाया किसी चीज के, यह चाय भी मैंने बना रही है। फिर ठीक है, होंगे आ जाइए और वही त्योहार मनाऊंगे। पुष्पा भी रहेगी बर्थडे और तू भी रह लिए। हाँ मैडम जी, अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। के है यू? मतलब? मतलब ना पता तुझे करवा चौथ के हो? अरे वो बन रहा खड़ा। अरे मुझे के पता, मुझे तो इतना पता कि कोई त्योहार हुआ है। त्योहार होवे इसमें बढ़ती रहना पड़े तो रह लिए, एक दिन में ना कुछ बिगड़ रहा। पागल, ही शादी शुदा के लिए होता है, पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है ये। अच्छा तो फिर तो बढ़िया आयु। बढ़िया आयु मैं कैसे रखूंगी? अरे तो दिक्कत है तो मत रखिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कह रहा, वो लोग क्या कहेंगे मैं क्या बताऊंगी। अरे बताना के है, मने कर देंगे कि भाई ना रह रहे। ऐसे नहीं होता। अरे तो तू रोटी खा के चली जाइए, उन्हें मने कर दिया, उन्हें बड़ा पता चल रहा है। क्या बात कर रहा तू? अरे तो अब क्या हो सके, या तो तू खा ले खाना, नहीं तो तू आ जा यार, और तो कुछ हो नहीं सकता, मैं देखूंगा कुछ, ठीक है ना? तू आ जाइए। आ जाओ मैडम जी। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। बच्चों को भेज दो, मैं ट्यूशन पढ़ा दूँ। बच्चों की छुट्टी कर दे, करवा चौथ की तैयारी कर लो, मेहंदी वेहंदी लगा लो, आ जाओ दोनों अंदर। ले तू ये खा ले। पुष्पा ले भाई थारी मेहंदी तो मंगा दी, रचा लो लो। अरे तू कैसे बैठा? अरे दही की कटोरी कैसे ले रखी है? खा रहा है क्या तू? मैं खा ना रहा, ये तो यह कह रही थी के। मैं क्या कह रही थी? या कह रही थी एक गाय को घेर दिए। महारा तो ऐसा होता ना, पर चलियो कह रही है तो दिया गाय को। हाँ हाँ इनके बाबा। अरे घेरिया भैया गाय के क्यों बैठा? हाँ हाँ घेर के आ रहा हूँ। पुष्पा लगाओ मेहंदी। आज तो भाई गाय मौज लेगी। माँ जी आज मैं लगाऊंगी आपको मेहंदी। ये ना है। लाओ एक हाथ में। ए तू लगा अपने। माँ जी मैं तो लगा लूंगी। ए प्रियंका तुम दोनों लगा लो, मैं तो तुम्हें दोनों को देख देख कर खुश हो लूंगी। स्वागन भागन के ये लगा ले, दोनों लगाओ तुम। कोई
बाद नहीं लगवा लो। ए मुझे तो नुई बतेरी खुशी मिल रही है, तुम बरती हो मेरे बेट टान के। लगा लो। ये ना मानना, आज तो मेरा हाथ रचा के ही छोड़ देंगे। कहाँ मर गया यू? अरे घनश्याम, भाई काम के टाइम पे एक भी नहीं दिखता, एक भी नहीं दिख रहा। मौसम भी बिगड़न लग रहा है, आगे मुंजी भी कटनी है और लेबर वेबर का भी कोई इंतजाम नहीं कर रखा और कट्टे भी पूरे ना है इन पे। तो यू सामान कहाँ ठाए फिरे भाई? जो 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 चीज़ चलो फिर मैं जो राजा भैया हमारे लिए लाए ना, मैं पैड कर दूँगा। आप भी खाओगे जी? इसमें दूध भी हो वैसे? मैं बादाम खाता हूँ, बस तू ही खा ले। अच्छा जी, बच्चों को दे दे। बच्चों को ले भाई, आधी ले लो तुम, थोड़ी थोड़ी सी लियो तुम, आराम तक है, बढ़िया चीज हो। मैं प्रियंका, ए पुष्पा, ए चांद लिकड़ी आया, अरग लगा दो। ह
अरे कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लग जाए मेरे बालक को। बहुत सुंदर लग रही है। अरे राजा बेटा। हाँ जी। कैसे उदास सा बैठा? ना जी ऐसी तो कोई बात ना। अरे आज तो करवा चौथ है। हाँ जी करवा चौथ है। अरे बहू देख कितनी सुंदर लग रही, कितना बढ़िया लहंगा पहना उसने। अच्छा जी। एक बात सुन, मैं तेरे लिए एक जोड़ी नए कपड़े लाया था, मेरे कमरे में रखे, जा उन्हें पहन ले। जा बेटा। कैसी राम सीता सी जोड़ी है इन दोनों की। बहुत प्यारी। मैं देख के आऊं। ठीक। पिताजी ने दी है। अच्छा। मैंने तो दिन में बतेरी कोशिश करी तुझे खुआने की, पर खुआ नहीं सका तुझे कुछ, भूखी रहेगी तू। ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ मैं भी ना खा पाया। तुम भी भूखे हो ये बात नहीं बताती मुझे। तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही होगी, तुम्हारी दिक्कत दूर कर देता हूँ।